साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र। साथियों, रीड शिक्षक भर्ती 2021 में पद बढ़ाने को लेकर ये वीडियो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है। साथियों, कुछ सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे कमेंट कर रहा है, मुझे मोबाइल पे मैसेज भी भेज रहा है बिना जाने, और वो भी घर बैठे। दुर्भाग्य की बात है, संघर्ष करने के बजाय घर बैठे अपना भविष्य के सपने देख रहे हैं। साथियों, कल मैंने लाइव में बोला कि 5 लोग ही थे, और उसको कुछ लोग जो रीट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो लाखों की संख्या में हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही लोग कोशिश कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग ये करें वो करें, और अपनी लोगों के साथ भ्रामक प्रचार करके अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, जो 5 लोगों का जिक्र कब किया, रीट 2021 में पद बढ़ाने वाले साथियों को मैं विशेष ये मैसेज देना चाहूंगा। साथियों, 14 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ, और करीब 1 महीने बाद 14 नवंबर को आपके अभ्यर्थी आए थे, यानी कि 1 महीने बाद। उससे पहले 3 दौर की हमारी वार्ता हो चुकी थी। आपके लोग आए तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा साथ दूंगा, बैठे रहे। जब लगातार आंदोलन जारी रहा, लास्ट में हम सब ने निर्णय लिया कि भैया सरकार याचे नहीं सुन रही, 44 दिन हो गए, हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश कुछ करना है। सबकी सहमति बनी, सबको बताया गया, और मैंने उस समय भी बताया कि चाहे प्रयोगशाला साहिब हो, चाहे स्कूल व्याख्या हो, चाहे रीट 2018 हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, तमाम जो भर्ती हुए लोग वहाँ बैठे थे, धरने में बैठे थे, कि इनकी 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, इनका कभी भी मामला हल होगा, ये चले जाएंगे, बचोगे तुम, इसलिए भीड़ की आवश्यकता पड़ेगी, तुम 50,000 पदों की मांग कर रहे हो। थोड़ा सा बीमार चल रहा हूं, तो भीड़ की आवश्यकता पड़ेगी, कभी 50 आ रहे हो तुम, कभी 20 आ रहे हो। शुरुआत में 5-5 लोग थे, फिर 10, 20, 50, 70 भी पहुंचे, करीब 100 भी पहुंचे, फिर वापस कम हो गए। बहुत समझाया मैंने लोगों, मैंने हम सबने रणनीति बनाई लखनऊ कुछ करके साथियों, और लखनऊ में जो 50,000 पद बदलने की मांग को लेकर 16 लोग पूछे हमने इको गार्डन में, हर भर्ती के लोगों की गिनती की थी, जिसमें देवेंद्र ने कहा 16 लोग हैं जो पहुंचे थे उसके साथ। साथियों, मैंने कहा 16 लोगों से नहीं, यहाँ भीड़ की आवश्यकता है। लखनऊ में हमारा 7 दिन आंदोलन जारी रहा, अनशन वहाँ जारी रहा, तो लगातार मैंने लोगों को कहा कि देखो इन लोगों के काम होने वाले चले जाएंगे, और ये चले जाएंगे तो 16 लोगों से काम नहीं होता, उनको भीड़ की आवश्यकता है। फिर लास्ट में 4 तारीख को मात्र 5-6 लोग बचे। मैं जो जिक्र कर रहा था ना कि लखनऊ में 5 लोग बचे, क्योंकि 4 तारीख को 5-6 लोग बचे, उसमें भी 2 लोग मुकेश सैनी और जो देवेंद्र, वो कह रहे कि मुकेश कह रहा है कि मेरे को कोई यूनिवर्सिटी काम है, देवेंद्र कह रहे मुझे भी जाना है। 5-6 लोगों में भी 2-3 लोग ही बचे थे। मैंने कहा कि पद 50,000 की मांग करे तो 5-6 लोग ही बचे हुए। मैंने पूरी कोशिश की उन लोगों को जगाने की, मैंने उनको समझाया कि भैया ये लोग, इनके लिए मान लीजिए रीट 2018 विशेष, इन सब के काम हो जाएंगे, ये क्यों रुकेंगे आप लोगों के लिए, ये चले गए तो तुम्हारे लिए खुद को लड़ाई लड़नी होगी। बहुत समझाया। लास्ट में जब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, जब वार्ता का न्योता गया, तो इन सभी से, इन आपका प्रतिनिधिमंडल था, तमाम भर्ती का प्रतिनिधिमंडल था, मैंने कहा भैया मेरी इच्छा ये है कि यहाँ से नहीं जाएं, हमें भीड़ बढ़ानी चाहिए। मैंने कहा 50,000 के पदों को घोषणा यहाँ से अपन कहलवाएंगे तभी हो पाएगी, अपन को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, भीड़ बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। लेकिन सब लोगों ने, रीट 18 वाले, प्रयोगशाला साहिब वाले, सब लोगों ने कहा नहीं, स्कूल का कहता बोली नहीं, शिमशा में बुलाए हम जाएंगे, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 वाले, यानी कि वहाँ कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब हम शुरू में गए तो 200 लोग थे, बाद में धीरे धीरे 100-150 बच गए, तो कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, बोले कि नहीं बुलाया हम तो जाएंगे, क्योंकि हम परेशान हो रहे। तो साथियों, सब लोग वहाँ से आने के लिए तैयार हो गए। आपके प्रतिनिधि में जो 5 लोग एक शामिल था, वो भी कह रहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मत जाइए, दबाव अब बनाया, नेशनल मुद्दा बनाया, संख्या बढ़ा लीजिए, संख्या बढ़ेगी तो अपना काम भी होगा, तमाम चाहे 50,000 की मांग करी वो भी होगी। लेकिन सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि जाना है, फिर मैं कौन होता हूँ भैया, सभी लोग आ जाए तो फिर मैं अकेला क्या करता हूँ। चलो, मैंने कहा ठीक है, चलो जयपुर आ गए। फिर भी 5 लोगों में से 5-6 लोग आपके लखनऊ में, मैं बता रहा, पहले आप मान लीजिए कोई मैच होता है, अपने सारे मैच जीत लिए, फाइनल हार गए, नहीं साहब हमने तो 10 में से 9 मैच जीत लिए, हमें भी जीता बनाओ, ये फाइनल मैच होता है,
जब हम आंदोलन दे रहे थे पीटीए की भर्ती के 100 लड़के आए थे बीच में, फिर 50 आए थे, और लास्ट में लखनऊ में 3 पूछे, लास्ट में एक भी नहीं पूछा। क्या उनका प्रतिनिधि गया? वो भी कह सकते हैं साहब हम धरने में 100 लोग आए थे बीच में, लेकिन जो लास्ट में संघर्ष में टिकता है उसी को तो, जहां वो रहता है उसी को तो ले जाया जाता है। काश उनके अभ्यर्थी रहते तो उनका प्रतिनिधि चला जाता, लेकिन एक अभ्यर्थी वहां नहीं था, उनका नुकसान वहां उठाना पड़ा। नहीं वो भी आके कह सकते साहब हमारे तो 100 लोग आए थे। यार संघर्ष में रुकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। रजाई मोड़ के ट्वीट ट्वीट कहने से संघर्ष नहीं होता है कि 50,000 बढ़ा दो, ऐसे घर को भी बढ़ा देगा, इसके लिए लड़ना पड़ता है। साथियों फिर भी प्रतिनिधिमंडल में वर्षा शर्मा कोटा से आई थी, उसको मैं लेके गया, तो उसने आधे घंटे सबसे ज्यादा समय रीट भर्ती 2018 पद बढ़ाने को लेकर दिया गया था, फिर नर्सिंग भर्ती वालों को आधे घंटे तक उसने अपनी बात रखी और मैंने रखी, मुझे कहा कि आप बता दीजिए, मुझसे सवाल जवाब किया गया। क्या मैंने कहा कि कारण बताओ पद बढ़ाने में, सब पेपर लीक हुआ, काफी लोगों तक गया, कई लोगों ने मेहनत की है, कुछ नंबरों से वो रह जाएंगे। मैंने कहा 5,000 लोगों, तो 5 बोले 5,000 कैसे बता दिया आपने, डेटा बताइए किस आधार पे बता रहे। तो बहुत सवाल तर्क बाबा, सबसे ज्यादा बात आपकी मामले को रखी गई थी, और वर्षा शर्मा जो आपके अभ्यर्थी उनसे पता कर सकते हो, वो धरने पर बैठी है, सबसे ज्यादा आपकी बात रखी। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके प्रतिनिधि को साथ ले जाकर आपकी बात रखने की, मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपके प्रतिनिधि को साथ ले जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखने की कोशिश करता हूँ, और पूरी कोशिश कर भी की थी। उसके बावजूद भी आप क्या कह रहे हो कि उपेन्द्र यादव ने कह दिया 5 लोगों की थी, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, 5 लोग ही थे लखनऊ, यदि आपकी संख्या होती तो हमें वापस आना पड़ता क्या? नहीं आना पड़ता, जब तुम जैसे लोग घर बैठे रजाई बैठे कमेंट कर रहे हो ना, तुम लोग घर से निकल के वहां पहुंचते तो सरकार को जो हमें लिखित में समझो जो वार्ता के लिए बुलाया ना, तो वो लिखित में जाता कि हम पद बढ़ा रहे हैं। यदि तुम्हारी संख्या होती जिस प्रकार तुम कमेंट कर रहे हो ना, तुम्हारी जिस प्रकार इतनी सहायता करने के बावजूद भी आप मेरे लिए उल्टा बोले, कोई सहायता करने नहीं आएगा, बुला लेना जिसको जो कह रहे हैं ना कि हम कर लेंगे, बुला लेना और कर लेना उनके साथ आंदोलन। इतना सहयोग करने के बावजूद भी, आपकी बात रखने के बावजूद भी आप उल्टा गाली गलौज, जिस प्रकार असभ्य भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पे आप कर रहे हो, जब 5-6 लोग वहां बचे थे उसमें भी एक अभ्यर्थी को लेकर आधे घंटे तक बात रखा, मैंने बात रखा, आप उस अभ्यर्थी को पूछ लीजिए उपेन्द्र यादव ने क्या कहा मैंने क्या कहा, सच्चाई आपको पता लग जाएगी। और आज ही वार्ता, आज ही मैं आपके अभ्यर्थी को ले जाऊँ, इतना सहयोग करने के बावजूद भी आप सोशल मीडिया पर जो असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो वो आपके नुकसानदायक है। जिंदगी में कोई सहयोग नहीं करेगा आप लोगों का, कोई भी सहयोग नहीं करेगा। दादागिरी से तो मैं किसी डरता नहीं कि तुम चाहते हो दादागिरी सहयोग करते हो, दादागिरी से वापस नहीं डरता, प्यार से मैं गर्दन कटवा सकता हूँ, और प्यार से मैं आप लोगों की पीड़ा को देखते हो कि आप दुखी हो, वास्तव में पेपर लीक हुआ, मुझे पता है पेपर गया है, तो किसी गरीब व्यक्ति जो बढ़िया नंबर लेके आ रहा है, 1-1, 2-2 नंबर से उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनको दर्द को देखते ही मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वहां लोग नहीं पूछे, उसको भी मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा भैया बुला लो, नहीं गए, खूब कहा, मैंने वीडियो डाला ऑडियो डाला, उसके बावजूद भी आपके लोग नहीं आए, फिर भी उस चीज को भी इग्नोर किया, फिर भी कल मैंने बात रखी, आज बात रखने जा रहा हूं। और यदि तुम कह रहे हो कि आपके पद बढ़े, आपके साथ ही धरना, क्योंकि कल धरना जो हमारा धरना चल रहा था, जिन लोगों के काम हो गए, मुझे एक चीज बताओ, जो हमारी जो प्रतिनिधिमंडल गए थे 8 लोग गए थे, जिन लोगों के काम हो गए वो चले जाएंगे, उनकी भीड़ चली जाएगी, तो खुद की लड़ाई तुम्हें खुद को लड़नी पड़ेगी ना, वो थोड़ी लड़ेंगे, वो खुद थोड़ी लड़ेंगे आपकी लड़ाई। आपको मैं इतना सहयोग कर सकता था, गया था, आज फिर जा रहा हूं वार्ता में ले जा रहा हूं, लेकिन जहां हमारा धरना चल रहा था वहां टेंट वो जगह और वो परमिशन आप लोगों को दिला दी, और अब मैं भी बीच में जाता रहूंगा, लेकिन कम से कम आज बारे में सीख जाऊंगा, लेकिन कम से कम आप तो पूछिए, पद बढ़ाने के लिए आपको दराज निकल के वहां पूछना होगा, और वो भी हजारों की संख्या में, तब तो आपको राहत मिलेगी, अन्यथा घर बैठे कुछ नहीं होगा। तो घर बैठे किसी को असभ्य भाषा का प्रयोग करने से पहले खुद घर से निकलिए। और जो एक और तस्वीर दिखा रहे, आपने 2 तस्वीरें दिखाई, एक लखनऊ की जो पीसीसी लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाद, उसमें 16 लोग थे, उसके बाद 5-6 लोग ही बचे थे 4 तारीख को, सब घर आ गए थे, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे परिवार नहीं, मैं भी आ सकता था, 52 दिन से घर नहीं गया था, मैं भी 52 दिन से आंदोलन कर रहा था, मैं भी आ सकता, जैसे तुम लोग पद बढ़ाने की बात कर रहे हो, दीपावली दशहरा घर पे बना रहे हो, हम यहाँ बना रहे थे, और तुम लोग 16 लोग गए बक्के आ गए, 5-6 लोग बजे, हम भी बक्के आ सकते, किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे? और अब वो तस्वीरें दिखा रहे हो कितने लोग थे, और जो धरना स्थल के जो अर्धनगर प्रदर्शन उसकी तस्वीरें दिखा रहे हो, तस्वीर डालते हो किसकी संख्या, देखो हमारी संख्या कितनी, वो संख्या वहां धरना दे रहे थे, बीएसटीसी वाले 5 मिनट के लिए खड़ा होकर आए थे और वहां फोटो खिंचवा के वापस बैठ गए, तो उनकी संख्या थी वो, तुम लोग नहीं आए धरने पे कि संख्या दिखा रहे हमारी इतनी संख्या थी, वो लोग थे जो धरने से उठ के, उस समय 10-20 लोग थे आपके, हालांकि उस समय
50,000 संख्या का दावा आप कर रहे हो और वहां 10, 20, 30, 50 लोग आते हो फिर भग जाते हो, लखनऊ 16 लोग है बचे 5-6 लोग, तो क्या गलत कह दिया मैंने? संघर्ष के लिए मैदान माना होगा, सच कह रहा हूं 5-6 लोग थे और आपके साथी को पूछ लीजिए। हमने ज्ञापन दिया, हमने ट्विटर ट्रेंड करवाया, हमने बोले सब जगह ये ट्विटर ट्रेंड हो, ज्ञापन ज्ञापन खेलते रहे ना, इससे कुछ नहीं होता। हर भर्ती के लोगों ने, सारी भर्ती के लोगों ने है ना कितने ज्ञापन दिया, हर एमएलए से ज्ञापन उन्होंने लेटर लिखवाया, हर जगह ज्ञापन दिया, हर भर्ती अटकी पड़ी है 2012 से 2013 तक। तुमसे ज्यादा लोगों ने संघर्ष के लिए ट्विटर करने से भर्तियां हो जाती ना, तो सब लोग ट्विटर पर भर्तियां करवा लेते, ट्विटर से भर्तियां हो जाती। तो शर्मानी चाहिए तुम घर बैठे लोग बात कर रहे हो, इसलिए अभी भी चाहते हो कि आपका काम हो तो शहीद स्मारक का आंदोलन चल रहा हूं। आप पूछिए, सब लोग जिनका काम हो गया वो जा रहे हैं, अब आपकी एक मांग को लेकर ही बैठे हैं केवल, और एक मांग में भी भीड़ होगी आपकी तो आपका काम होगा, इसलिए आप चाहते हो आपका पदों की संख्या बढ़े, तो धरना स्थल पूछिए। फिर आप कहना भूपेन यादव साथ नहीं दिया, मुझे दोषी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कल भी आपकी बात रखी था, आपके वर्षा शर्मा जी को पूछ ली, सबसे ज्यादा उन्होंने बात रखी, मैंने रखी, पूछ लीजिए मुझे क्या कहा अधिकारियों ने, और आज सीएम साहब के सामने भी रखूंगा, जितना सहयोग मुझसे होगा मैं करूंगा, लेकिन तुम लोग जिस तरीके बात करोगे तो कोई भी आपका सहयोग देना पसंद नहीं करेगा, इसलिए अपनी जो भाषा को सुधारिए और जितना सहयोग मुझे बताइए। मुझे 52 दिन हो गए, क्या मेरे घर नहीं जाऊँ, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे परिवार नहीं, मेरा छोटा भी बीमार है या जयपुरी है, उसको मुझे दिखाना है डॉक्टर को, परिस्थितियाँ मेरे भी है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ आपका सहयोग करूँगा, और उसके बावजूद भी आप ऐसा भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर कौन सहयोग करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। इसलिए अपनी भाषा का उपयोग है ना सही करिए, और जितनी मदद होगी, आज भी मैं आज भी मजबूती से आपकी बात, बड़ी मजबूती से आपकी बात आज भी रखूँगा, कल भी रखी थी, जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं बात रखूँगा, लेकिन घर बैठे ट्विटर से आपकी मांग पूरी नहीं होगी। आपकी मांग तब पूरी होगी जब हजारों की संख्या में आप शहीद स्मारक पूछोगे, आपको टेंट लगवा मिल रहा, आपको धरना की वहाँ परमिशन मिल रही है, आप लोग वहाँ जा सकते हो, बैठ सकते हो, मैं भी आपका सहयोग करने आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको निकलना होगा, तब तक आपके पद बढ़ेंगे, और आप ट्विटर खेलते रहोगे तो आप बैठे रहना कुछ भी नहीं होगा, साफ कह रहा हूँ, घर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा, ट्विटर खेलते रहना, आपको गाली देनी देते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद की गलतियों के वजह से आप खुद जिम्मेदार हो, आपके पद नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सभी तमाम साथी जो कह रहे हैं कि आपने साथ नहीं दिया, तो आपके अभ्यर्थी को पूछ सकते हो, जो 5 लोगों की बात बताई वो लखनऊ की बताई, यहाँ की तस्वीर बता रहे वो वहाँ से उठ के धरने के लिए 5 मिनट के लिए, तो उसके लिए हर बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो सहयोग करें उसके लिए उल्टा बोलना नहीं चाहिए। और इसके अलावा आप सोच रहे हो कई बहुत नेता घूमते हैं यहाँ पोस्टर लगा के या गमछा डाल के, बहुत घूमते हैं वो, केवल तुमसे बेवकूफ़ बनाने के लिए फोटो वीडियो डाल के आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कह दिया हम ये करवा दिया वो करवा दिया, उनको क्या पता यहाँ धरने पर बैठने से काम हो जाता है क्या, वो तो काम किसने करवाया वो सबको पता है, और आगे भी कौन करवा रहा है सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जिस सरकार ने हमारे लिए उल्टा बोला उस सरकार ने रात को 1 बजे लेटर लिखे, हमें बुलवाना पड़ा, झुकना पड़ा, हम नहीं है बुलाना पड़ा था भाई, ये हमारी ताकत है। इसलिए अभी भी है लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी ताकत होती है, घरों से निकले शहीद स्मारक पूछिए, मैं भी पूछूंगा, जितनी मदद होगी मैं भी करूंगा। धन्यवाद।